वहीं पांचवें चरण के चुनाव में बीजेपी का असली इम्तिहान अवध में होने जा रहा है। अवध में ही अयोध्या भी है, जहां बने राम मंदिर को बीजेपी पूरे देश में मुद्दा बनाकर कांग्रेस को घेरने से नहीं चुकती है। उसी अवध में राम धुन पर जातीय गोलबंदी भारी पड़ रही है। फैजाबाद जिले से लेकर रेलवे स्टेशन तक के नाम बदल दिए गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में अब भी अयोध्या फैजाबाद के ही नाम से दर्ज है। यूपी में लोकसभा चुनाव का पांचवा चरण अवध पर केंद्रित है और फैजाबाद सहित अवध के ज्यादातर लोकसभा क्षेत्रों में 20 मई को मतदान है, लेकिन बीजेपी बेचैन है कि राम मंदिर को लेकर जो ज्वार 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आसपास नजर आ रहा था, अब वह नहीं दिख रहा है। तो अवध में राम धुन पर जाति का राग, पांचवें चरण में बीजेपी का असली इम्तिहान अवध में ही है। अवध में राम धुन पर जाति का राग, तो असली इम्तिहान की बात करें तो असली इम्तिहान अवध में ही है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ राघवेंद्र त्रिपाठी जी संपादक जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, यदि पांचवें चरण की बात करें तो यदि बीजेपी का असली इम्तिहान जो है वो अवध में ही है देखा जाए तो। जी बिल्कुल करता जी, जिस तरह से 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, जिस तरह से उसकी ख्याति पूरे देश दुनिया में चर्चा हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी को लगा था कि यह मुद्दा कम से कम उत्तर प्रदेश में तो जीवंत रहेगा और उन्हें अधिक से अधिक सीटें जिताने में मददगार साबित होगा। इसी नाते भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में 80 सीटें जीतने का टारगेट रखा था, लेकिन आज स्थिति इसके उलट है। जो चर्चा 22 जनवरी से शुरू हुई थी वह चुनाव आते आते कहीं न कहीं जातीय गोलबंदी में सिमट गई। हालांकि राम धुन पे भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने चुनाव प्रचार को लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अवध की बात कर लीजिए, अवध माने फैजाबाद जो संसदीय सीट है अयोध्या, वहां पर लल्लू सिंह भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है, अवधेश प्रसाद जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन इस चुनाव पे कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जातीय गोलबंदी हावी दिख रही है। यादव मुस्लिम और कुर्मी वोट मिलाकर और जिस तरह से अवधेश प्रसाद वर्मा पासी बिरादरी में लगातार सेध लगा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की जो चिंताएं वो बढ़ गई है। अवध में गोंडा भी आता, लखनऊ भी आता, कैसरगंज भी आता है, तो यह सब सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन इस बार कहीं कहीं उसे मशक्कत करनी पड़ रही है। आज प्रधानमंत्री को बाराबंकी में आके जनसभा करनी पड़ रही है, जबकि 2019 में इस सीट को भारतीय जनता पार्टी बड़े आसानी से चुनाव जीती थी। तो कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी जितना आसान समझ रही थी अवध में, वह स्थिति कठिन होती दिख रही है। हालांकि कैसरगंज में विवाद बहुत था ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर भारतीय जनता पार्टी में, तो उनका टिकट काटकर उनके बेटे को टिकट दिया गया है, लेकिन वहां पर भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी उनको परेशान किए हुए, जाति गोलबंदी कि इस समीकरण में कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी उलझी हुई दिखाई पड़ रही है। यही स्थिति गोंडा में है, भारतीय जनता पार्टी ने कीर्तिवर्धन को तीसरी बार टिकट दिया है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने बेनी वर्मा के पोती जो बड़े कुर्मी नेता हुआ करते थे श्रेया वर्मा को टिकट दे दिया है, तो वहां पे भी जाति गोलबंदी शुरू हो गई है। तो कुल मिलाकर कविता जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी कि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में राम राम होगा, वह चुनाव आते आते वह स्थिति नहीं बनी है। हां, राम मंदिर का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी हर मन से उठाती है, विपक्षी गठबंधन यानी इंडी गठबंधन को राम विरोधी होने का सर्टिफिकेट भी बांटती है, लेकिन उसका असर उतना दिख नहीं रहा है जितना चुनाव स्टार्टिंग में आसान दिख रहा था भारतीय जनता पार्टी को, वह पांचवें चरण तक आते आते कहीं ना कहीं कठिनाई में तब्दील हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के माथे पर चिंता की लकीरें इसी बात को लेकर है कि अभी छठा और सातवां चरण का चुनाव बाकी है। अगर राम मंदिर का मुद्दा अवध में फीका पड़ जाएगा तो आगे जाते जाते इस मुद्दे को कैसे हवा दी जाएगी, इसको लेकर चिंतन मनन किया जा रहा है। और अयोध्या इसकी बानगी, अयोध्या में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया, 10 लाख से अधिक जनता वहां पे जुटी, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लगातार मुख्यालय को संदेश भेज रहा है कि जाति कॉम्बिनेशन को देखना होगा, जो बिरादरी के बड़े नेता हैं उनको भी आप अयोध्या भेजिए। तो कुल मिलाकर चिंता की लकीरें हैं, अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसे किस तरह से जीतती है। लेकिन इतना जरूर है, जो राम मंदिर का मुद्दा 22 जनवरी को शुरू हुआ था वह चुनाव आते आते कहीं कहीं धूमिल होता दिख रहा है।
जो परवान भारतीय जनता पार्टी चढ़ाना चाहती है उस परवान को चढ़ाने में कहीं ना कहीं शायद नाकाम दिख रही है और इसका फायदा इंडी गठबंधन उठाने की लगातार कोशिश में लगा हुआ है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी हमलावर है वह कह रही है कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार आती तो 10 किलो मुफ्त राशन देंगे, महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, तो इसका असर भी पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा जिस तरह से राहुल गांधी अखिलेश यादव उठा रहे हैं वह भी जनता के बीच में क्लिक कर रहा है और इसी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार राम मंदिर का मुद्दा अवध में गरमा रही है, लेकिन वह मुद्दा परवान चढ़ता नहीं दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इसी बात को लेकर चिंतित हैं। वह चाहते हैं कि किसी तरह से अयोध्या की सीट कम से कम बड़े मार्जिन से जीती जाए। गोंडा भी भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में था, बलरामपुर भी भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में था, कैसरगंज, यहां तक कि लखनऊ भी अवध में आता। लखनऊ में राजनाथ सिंह, खैर प्रतिद्वंदी उनके रविदास मल्होत्रा है, लेकिन उनका चुनाव थोड़ा आसान दिख रहा है। इसके अलावा पूरे अवध में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। अब रायबरेली में ले लीजिए, रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी 19 का भी चुनाव हारी थी और इस बार राहुल गांधी आकर कड़ी चुनौती दे रहे हैं। अमेठी में स्मृति ईरानी कड़े मुकाबले में फंसी हुई है। हालांकि 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया था, लेकिन इस बार का चुनाव राहुल गांधी बनाम प्रियंका गांधी हो गया है। तो कुल मिलाकर जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि राम मुद्दे पर चुनाव हो जाए, वह मुद्दा परवान चढ़ता नहीं दिख रहा कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, तमाम बातचीत के लिए आपका राघवेंद्र जी बहुत ही धन्यवाद।